इस जगह में जो है नेटवर्क का भी बहुत इश्यूज रहते हैं, इसलिए हमें जो है मोड चेंज करके एयरटेल के नेटवर्क से हम लोग यहाँ पे अभी हेलो करोगे है ना। हम लोग अभी जो है पंप रोड में है और पंप डैम जा रहे हैं। यहाँ पे शहर का सबसे ज्यादा भीड़ होता है, इसी तरह जा रहे हैं। और आप लोग जो है इस बार कहाँ कहाँ पिकनिक के लिए गए हैं आप लोग भी मेंशन कीजिए, और नया साल का जो है बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। बरसात में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत चैलेंजेस होते हैं यहाँ पे, लेकिन जब ये रोड बन जाएगा तो ये रास्ता और भी अच्छा हो जाएगा। और सामने जो है आगे जो गांव है, जो पुल पार करके गांव जाते हैं, उससे कम्युनिकेशन जो है पुल बनने के बाद बहुत इजी हो गया है। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आता है इस रोड पे आता है। तो फाइनली जो है हम लोग अभी ब्रिज के पुल के ऊपर है, यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू मिलेगा। और हमारे कुछ पत्रकार साथी लोग भी हैं यहाँ पे, और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक्चुअल व्यू आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया व्यू मिलेगा। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर भाई पांडे जी, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो हीरा भैया, हैप्पी न्यू ईयर, और पूरे सीकेपी लाइव की तरफ से हमारे पत्रकार भाई लोग हैं उन लोगों की भी तरफ से आप सभी को जो है नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब यहाँ से आपको जो है यहाँ मज़ा आता है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है, मतलब शहर के जो है 70% लोग अगर पिकनिक मनाना होता है तो यहीं पे आते हैं। और बहुत मतलब के यहाँ पे गाना अलग अलग तरह का बज रहा है, तो चांसेस है कि कॉपीराइट आ जाए, बट कोशिश करेंगे कि गाना का जो है थोड़ा सा नहीं आए। और देखिए यहाँ पे जो है मतलब अलग अलग तरह का बच्चों का खिलौना वगैरह भी, लेकिन पिछले साल के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इस साल जो है यहाँ पे स्टिल कम लोग हैं, फिर भी कम लोग हैं, क्योंकि पिछले साल जो है काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आए थे, बट यहाँ अभी जो मैं देख रहा हूँ वैसा कुछ भीड़ नहीं है यहाँ पे। शायद यहाँ पे पहले से जो है मतलब पिछले साल के मुकाबले कुछ कम भीड़ है यहाँ पे। मैं आप लोगों को यहाँ से लाइव दिखा रहा हूँ, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, जितने भी
हमारे फॉलोअर्स है, जितने भी सिक्स फिफ्टी लाइव के फॉलोअर्स हैं, उन सबों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ से बहुत सारे लोग जो आप सामने वहाँ पे वायरलेस देख रहे हैं, वायरलेस भी बहुत लोग जाते हैं चढ़ने के लिए, और नए साल में अक्सर लोग जाते हैं यहाँ से। पूरा दूर तक लोग जाते हैं। आगे आप देखिएगा तो सामने जो पहाड़ दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, उसको पार करने के बाद जो है फिर वायरलेस आता है। वायरलेस आने के बाद ऊपर में लोग जाते हैं और वहाँ पे भी मतलब एक अच्छा गुड टाइम स्पेंड करके वहाँ से आते हैं। तो इधर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग नीचे से कहीं अगर कोई लाइव देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बट इस बार जो है आप देखिए कि यहाँ से डैम मतलब डैम तक का पूरा भीड़ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले साल इससे ज़्यादा लोग थे। चलिए एक बार आगे आपको दिखाते हैं। हम ले ले रहे हैं ना, हाँ ले ले भाई। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे कुछ जो है दोस्त लोग भी पहुंचे हुए हैं, लाइव चल रहा है। अजर भाई बहुत चलते हैं आगे, थोड़ा सा आपको आगे जा करके इधर का दिखाते हैं। देखिए बहुत सारे मतलब भीड़ भाड़ ठीक ठाक है, लोग आए हुए हैं, और चक्रधरपुर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोग बाहर भी जाते हैं यहाँ से। यहाँ से आगे जो है एक फाटक भी लगाया गया है, अब फाटक जो है वो क्या चीज़ का है पता नहीं। तो उधर आप देखिए कि शायद गाड़ी पार्किंग वार्किंग के लिए जो है पैसा वैसा लेते होंगे। ये मैं पुल का कंडीशन दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ से ये छेद हो गया है, ये जो है पुल का जो है यहाँ पे देखिए कि छेद हो गया है, मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे, उसके वजह से ये सामने आप देख रहे हैं कि कंडीशन जो है पूरा। क्या चीज का लगाए हैं? अच्छा, इस पर हम बात करते हैं थोड़ा सारा। भैया जो आप लोग यहाँ पे जो रुके हुए हैं उसके पीछे रीजन मतलब जाने दे रहे हैं, वो तो मैं देखा कि आप लोग लोगों को जाने दे रहे, लेकिन हाँ घूमने के लिए तो गंदा क्या मतलब गंदा कर दे रहे लोग जा करके, क्या बोलेंगे उधर पिकनिक मनाने जाता है, दोना होना हुआ, गिलास उलास हुआ, बिल्कुल खा पी के वहाँ छोड़ देता है। अच्छा अच्छा, छोड़ देने के बाद लोग तो चल जाता है, फिर हम लोग को गाँव वाला सफाई आप ही लोग को करना पड़ता होगा, हम लोग मना कर रहे हैं। नहीं नहीं सही बात है, समझा करके भेज रहे ना। एक टोटो का 50 रुपया, कार का 100 रुपया खाली 1 जनवरी। नहीं नहीं पैसा नहीं ले रही है, लोग तो बता के समझा के भेज रहे हैं ना। हाँ देखिए बहुत अच्छा चीज है, ये जागरूक नागरिक का पहचान है कि ये मतलब रोक भी नहीं रही है लोग जो जा रहे हैं। उधर जाने के बाद क्या करते हैं कि पत्तल वगैरह जो होता है प्लेट वलेट छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दारू पी करके कांच का बॉटल फेंक देते हैं, इनके जानवर को इनके बच्चे को जो है चोट लगता है, पैर कट जाता है, ये सारा चीज होता है ना। हाँ हाँ, कांच के चलते ना आज आदमी खेती करने से कतराता है, डरता है। अच्छा अच्छा, किसी किसी खेत में इतना कांच फैला हुआ है ना, आदमी कदम नहीं रख पाएगा। अच्छा ऐसा, अच्छा अच्छा, और हम लोग सोच रहे थे कि पैसा ना ले, क्योंकि अगर हम पैसा लेते हैं तो गुनहगार हम ही होते हैं। इसका मतलब है हम पैसा ले रहे हैं, मेरा जमीन तुम गंदा करो। सही बात है, तो आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, खास करके कि आप जाइए लेकिन सफाई रखिए। थैंक यू।
है ना सर, हम लोग पैसा भी नहीं ले रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं ना, पुलिस या किसी पदाधिकारी का हवाला देके जबरन पार होते हैं। नहीं तो उनको बोलिए कि हम आपको गलत चीज के लिए रोक नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप हमारे जमीन को गंदा ना कीजिए, है ना। मेन आप लोग का भी मकसद यही है कि आपकी जमीन को गंदा ना करें, है ना। सही है, अपनी चीज की सफाई खुद रखना पड़ता है। एक चीज है ना, जी हम लोग यहाँ पर जी यहाँ पर जितने भी लोग है ना, हाँ हाँ, कोई बिजनेसमैन कोई नौकरी करने वाला नहीं है, सभी किसान है। बिल्कुल बिल्कुल, सब खेती पे ही डिपेंड है। हाँ हाँ, अगर उनको वो खेती नहीं कर पाएंगे तो खुद को पालेंगे कैसे। सही सही बात है, वही बात हो जा रही है। तो हर साल मतलब आप लोग ये चीज को फेस करते है ना। नहीं नहीं, वो मैंने बोल रहा हूँ, हर चीज हर साल आप लोग इस चीज को फेस करते हैं ना कि लोग गंदा, हम देखे हैं, हम खुद देखे हैं कि मतलब साइड साइड जा रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं और सब ऐसे छोड़ के आ जाते हैं। हाँ, ये तो बेसिक चीज है, बेसिक हाइजीन है। मतलब आप कोई चीज को गंदा करे तो साफ करना भी आप ही का जिम्मेवारी है। इस चीज को हम खुद सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। ऐसा भी देखा गया है ना जी कि कुछ लोग वहाँ पूजा स्थल तक पहुँच जाते हैं, वहाँ गंदा करते हैं, और आज के दिन बाहरी लोग ना पूजा स्थल भी है, हाँ, खाकर ऐसा होता है कि गांव की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। अच्छा, इस तरह का भी चीज है, बहुत सारे असामाजिक तत्व देखे जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे में क्या होगा ना कि शहरी लोगों और गांव के लोगों के बीच में तालमेल नहीं बनता। तालमेल नहीं, तो आप लोग आपके लोकल थाना पे इस चीज का इन्फॉर्म क्यों नहीं करते हैं एक बार? सर आज मैं क्या था, मैंने बात किया था बड़े बाबू से जी जी, वो जो चंद्रशेखर कुमार जी, चंद्रशेखर सर जो है, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला था कि ये तो मेरे अधिकार से बाहर है किसी से जुर्माना लेना, किसी को रोकना जी, उन्होंने वैसा बोला था। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मैं पीसीआर को भेज दूंगा उस एरिया में निगरानी के लिए। हाँ हाँ, वही चीज है कि अभी पीसीआर वगैरह, पीसीआर भी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, आप लोग लोगों को समझा के भेज रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक जागरूक नागरिक की पहचान है इस तरह से। मतलब आप लोग भी एक सेफ्टी के काम कर रहे हैं, आप लोग से किसी को परेशानी नहीं है ना। बहुत सारे लोग देख के डर जा रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग तो बस इतना चाहते हैं कि जी नए साल में आप भी खुश रहें, लेकिन किसी को दुख देके नहीं। जी जी जी, बस वही बात। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ गांव के लोग हैं, यही बगल गांव के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि आप इधर से जाइए, लेकिन जाने के बाद जो है जगह को गंदा ना कीजिए। प्लेट वगैरह लेके जा रहे हैं तो उसको साफ सफाई रखिए, अपना सामान को वापस लेके आइए। और इनका बोलना सही है, उस चीज को मैं भी मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों ने इतना समय दिया सीकेपी लाइव को, तो बहुत शुक्रिया आप सबों का।